हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने बनाया कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट। आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग थ्रो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से काम करता है। देख सकते हैं एक धागा किस तरह से आगे तलवार की जैसे फेंक रहा है। देखो तो गाइज, है ना, काफी ज्यादा कमाल की चीज। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने कुछ इस तरह का एक पीवीसी बोर्ड का एक टुकड़ा काटा है। 12 mm का बोर्ड था उसमें से, और दो कुछ इस तरह के होल किए मैंने 19 mm के। और टुकड़े की लंबाई आप देख सकते हैं 7.5 इंची, और यहाँ से 2.25 इंची, और यहाँ से 3.25 इंची रखी है मैंने, आप देख पा रहे होंगे। और दो कुछ इस तरह की मोटर चाहिए होगी, जो कि टॉय वगैरह से निकलती है या फिर हमें मार्केट से मिल जाती है इस प्रकार की मोटर, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस मोटर को यहाँ पे सेट करना होगा हमें। दोस्तों, हमारी दोनों मोटर्स हमें यहाँ पे सेट कर लेनी होगी कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। अच्छे से मोटर्स को मैंने सेट कर लिया है इसके अंदर। उसके बाद में दो व्हील काटे मैंने कुछ इस प्रकार के, ये भी इसी पीवीसी बोर्ड के अंदर से काट लिए मैंने। 12 mm का बोर्ड है, और इसके सेंटर में यहाँ पे एक निशान लगाऊंगा, और उसके बाद में एक छोटा सा होल करके व्हील हमारे इस मोटर्स के ऊपर सेट कर देने हैं कुछ इस प्रकार से। एक व्हील सेट कर लिए, दोनों व्हील हमें सेट कर लेने इसके ऊपर। तो इनके बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा कम रखना होगा हमें। अब हमें चाहिए होगी एक बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, और एक स्विच चाहिए होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमें कनेक्शन कर लेने हैं। तो कनेक्शन हमारे रेडी हो गए हैं कुछ इस प्रकार से, बहुत ही इजी कनेक्शन है, आप कर लेंगे सीधा डायरेक्ट ही है, कोई वो बात नहीं है इसमें। तो मोटर हमारी कुछ इस प्रकार से चलनी चाहिए, आगे की तरफ चलनी चाहिए दोनों व्हील। डबल टैप की सहायता से बैटरी को यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। तो बैटरी हमारी इसके ऊपर यहाँ पे चिपक गई है, अच्छे से सिक्योर हो गई। और एक छोटा सा एक कट का टुकड़ा कट करके चिपकाया मैंने, और एक रिफिल का टुकड़ा उसके ऊपर चिपकाना होगा हमें कुछ इस तरह से, जो कि रिफिल के अंदर से धागा चलेगा। कुछ इस प्रकार का धागा चाहिए होगा, इस धागे को यहाँ से हमें डाल लेना होगा, और एक वायर लगाइए कुछ इस प्रकार से धागे को बैलेंस बनाने के लिए। हमें गिठान नहीं लगानी है, धागे को चिपकाना होगा। तो दोस्तों, मैंने चिपका लिया कुछ इस प्रकार से। तो हमारा स्ट्रिंग थ्रो तैयार है, अब चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है धागा, देखो कितनी तेज़ी से आगे की तरफ में फेंक रहा है। अब मैं ऊपर की साइड में कर रहा हूँ तो ऊपर भी जा रहा है कुछ इस प्रकार से, आप देखो ऊपर की साइड में भी फेंक रहा है इसको। तो है ना दोस्तों, कमाल का प्रोजेक्ट, आप भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपके भाई का चैनल है, है ना, कमाल की चीज। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।